हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे बेशरम ऐप की बहुत ही शानदार वेब सीरीज के बारे में। ये वेब सीरीज दोस्तों आज रिलीज हो चुकी है। इस वेब सीरीज को मैंने पूरा देखा है, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस वेब सीरीज में कौन कौन सी एक्टर्स हैं और इस वेब सीरीज की कहानी क्या है। तो सबसे पहले हम वेब सीरीज का नाम बता दें। इस वेब सीरीज का नाम है नैनसुख। ये वेब सीरीज आज रिलीज हुई है बेशरम ऐप पर। एक्टर्स की बात करें तो इसमें परी हैं और अनु मौर्य हैं, तो एक्टर्स और हैं। तो कहानी की बात करें तो दो भाई होते हैं, एक पिता होता है। एक भाई की जो है आंखें जो है ख़राब हो गई होती हैं, उसको बदलवाया रहता है और ये पट्टी को चेंज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं स्कूटी पे बैठ कर तैयार होके। तो दोनों लोग जाते हैं तो रास्ते में एक अर्थी ले जाते हुए लोग मिलते हैं। तो वो वहाँ पे रुक के पूछते हैं कि भाई क्या हुआ है। तो फिर जो लोग अर्थी ले जाते हैं वो बताते हैं कि एक फलाने का लड़का था, वो मर चुका है। तो पूछा जाता है कि क्यों मर गया, तो बताते हैं कि वो पोर्न वीडियो देखता था इसलिए मर गया है। तो फिर लड़के का बाप कहता है हो न जाने क्या क्या लोग करते रहते हैं, ये कहते हुए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पट्टी को खोलता है, तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर पट्टी को खोल रहा होता है। खोलने के बाद उस लड़के को सब कुछ दिखाई देने लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसको सब कुछ ठरकी ठरकी सा दिखने लगता है। यानी कि वो जिस लड़की को देखता है तो उसको अपने ही मन में अपने ही ख्याल में वो सब काम करने लगता है, तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं घर वाले। बहरहाल पट्टी खुलने के बाद उसको घर पर ले जाते हैं सब लोग, भगवान का शुक्रिया करते हैं, डॉक्टर को थैंक्स बोलते हैं। तो वहाँ पे ये सब कुछ होता है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे ये भी होता है कि जो नर्स खड़ी होती है सामने, उसके साथ भी ये ख्यालों में चला जाता है और वो सब काम करने लगता है। तो फिर हरकतें जो सब करने लगता है, तो इसके घर वाले जो होते हैं मम्मी पापा, इसको कैसे भी करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं ओहो ये क्या हो गया है इसको। तो दोस्तों यही यूनर से जिसको देखकर ये सब गंदे ख्यालों में खो जाता है। फिर किसी तरह यहाँ बातचीत होती रहती है दोस्तों। फिर परी जो है हाथ जोड़ कर अभिनंदन वंदन करती है, तो कैसे भी करके इसके घर वाले यहाँ से इसको वापस लेकर जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट के जरिए देख सकते हैं वेब सीरीज को और समझ सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ होगा। दोस्तों ये वेब सीरीज बहुत ही तगड़ी और शानदार है, मैंने इस वेब सीरीज को पूरा देखा है। ये वेब सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो बेशरम ऐप लोड डाउनलोड करके देख सकते हैं। वो तो कैसे भी करके इसको यहाँ से लेकर जाते हैं बाहर। तो बाहर जब जाते हैं तो वहाँ पर भी ये साला वही काम करता है, यानी एक लड़की को देखता है, फिर वहाँ भी वही ख्याल इसके अंदर आ जाता है। तो ये काफ़ी परेशान होते हैं। उधर आपस में नर्स जो है और डॉक्टर बातें करते हैं कि ये समस्या बहुत बड़ी है। तो जब बाहर आता है हॉस्पिटल से, तो वहाँ पर सामने देखता है एक लड़की बैठी हुई है, तो फिर ख्यालों में उसके साथ भी वो वाले ख्याल इसको आने लगते हैं। ये काफ़ी परेशान हुआ रहता है। तो ये इसका इलाज क्या है इसको कुछ पता नहीं होता, ये बहुत परेशान होता है। क्योंकि जितनी भी लड़कियों को चाहे कहीं भी जाता है, लड़कियों को देखता है तो उसके अंदर ख्याल आता है। तो फिर तब तक उसके पीछे माँ उसके भाई और पापा आते हैं, तो उसको कहते हैं क्या, वो कहता है कुछ नहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर उसको साथ में लेकर घर की तरफ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो अकेले छत पे सोचता है कि मुझे क्या हो गया, ये सब कुछ ठरकी ठरकी सा क्यों दिख रहा है, ये सब सोच रहा होता है। तो फिर इसकी मम्मी आवाज़ लगाती है बेटा नीचे आजा खाना खा ले, तो ये नीचे जाता है। तो फिर वहाँ खाना खाता है, तो फिर वही सब ख्याल ये अपने मम्मी पापा के लिए भी अपने दिमाग में ले आता है, यही सब होने लगता है। यानी गंदगी हरकतें जो है इसकी शुरू हो जाती है, अपने मम्मी पापा को भी ख्याल में ले आता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ होता है, तो फिर ये परेशान सा रहने लगता है। इसके मम्मी पापा कहते हैं कि इसको क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रहा है। तो फिर ये आपस में बातें करते कहीं हमारा लड़का तो पागल तो नहीं हो गया, वो कहता है नहीं। फिर आपस में बातें चीते ऐसे करते हैं, उसको देखते हैं, तो फिर ये काफ़ी परेशान सा दिखता है। तो फिर कुछ देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है, उसके सिर में दर्द होने लगती है। फिर उधर उसके मम्मी पापा तो भाई अपना वाला काम करने लगते हैं, आप देख ही सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो
तो फिर यहाँ पे ये सब होता है, तो वो अपना पछताता है कि साला ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सब ख्याल उसके दिमाग में आता है। तो आप स्क्रीनशॉट देखें और समझें, पूरा देखें, ताकि आपको समझ में आएगा कि इसकी कहानी और स्टोरी क्या है। तो फिर उसके मम्मी पापा बातें करते हैं आपस में, क्या हो गया, इसको क्या इलाज करना है, कैसे ठीक होगा, ये सब आपस में बातें करते हैं। फिर आगे दिखाया जाता है अनु मौर्य को। अनु मौर्य कपड़ा धो रही होती है, तो वो लड़का जो उसको धोते हुए देखता है, तो फिर वहाँ भी इसके दिमाग में वही ख्याल आता रहता है। फिर ये काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा जाओ सब्जी लेने के लिए, तो वो सब्जी लेने के लिए जाता है, तो फिर ये जो स्क्रीन पर लड़की दिख रही होती है, ये सब्जी बेच रही होती है, तो इसको फेस टू फेस ना देखकर सिर को झुका के कहता है कि मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। तो ये कहती है कि क्यों नीचे मुंडी करके बात कर रहा है, सामने से बात करो। जब सामने देखता तो भैया यहाँ भी चालूम हो जाता है वही ख्याल। तो ये काफ़ी परेशान होता है और सोचता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, काफ़ी परेशान सा दिखता है। तो इसका भाई आता है, तो इसको समझाता है कि देख तेरी प्रॉब्लम क्या है मैं जानता हूँ। तो पूछता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, कैसे हुई है बताओ। तो कहता है कि तुम्हारी जो आँखें लगी है, वो जो पोर्न देख के मर गया था उसकी आँखें लगी है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। जब ये बात इसको पता चलती है तो ये काफ़ी परेशान होता है। तो फिर जब परेशान होता है तो फिर दोनों लोग कहते हैं अब दोनों लोग एक साथ ही काम करेंगे ये वाले। तो फिर भाई आगे बढ़ता है, तो फिर जो है अनु मौर्य दिखाई देती हैं गेहूं को फैलाते हुए। तो अनु मौर्य को देखकर तो भैया ये दोनों लोग ठहर के जो भाई होते हैं आपस में बातें करते कि क्या है कैसे है सब कुछ, वही ठरकी ठरकी बातें करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनु मौर्य को। दोस्तों अनु मौर्य की भाई वेब सीरीज तो देखने लायक होती है, कोई भी वेब सीरीज हो, चाहे हंटर्स पे आई हो, चाहे बेशरम उल्लू कहीं पे भी। तो चलो भाई दोस्तों यहाँ पे ये हो जाता है। फिर उसको दोनों भाई फिर एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ होता ये है कि नर्स से बात करते हैं कि भैया नर्स देखो इसका इलाज करो कुछ, कैसे ठीक होगा। तो नर्स कहती ठीक है इसको मैं ठीक कर दूंगी, इसको बैठाओ। तो ये नर्स को देखने के बाद भी भैया वही कहानी स्टार्ट कर देता है। कहानी का मतलब है नर्स को जब देखता है, नर्स आती है तो भैया एक मुंडी ऊपर नहीं करता, यानी सिर ऊपर नहीं करता, सिर ऊपर करने को कहती है। जब सिर ऊपर करता है तो फिर भाई वही गंदे ख्याल इसके दिमाग में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि परी जो है कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। इस दोस्तों इस एक्ट्रेस का नाम परी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त वेब सीरीज़ में काम करती हैं। जो भी वेब सीरीज़ होती है इनकी कहानी और स्टोरी और इनका लुक जो होता है बहुत शानदार होता है। तो आप देख सकते हैं कि परी से बातें किस तरह करता है, फिर क्या उसे क्या हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर भी वो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप पूरा स्टोरी जानना चाहते हैं, पूरा सीरियल से देखना चाहते हैं, तो इस ऐप को डाउनलोड करिए और इस वेब सीरीज को पूरा देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कहानी और स्टोरी कैसे कैसे क्या क्या होता है। फिलहाल जितना मैं बताया हूँ शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कहानी और स्टोरी क्या है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि जब कोई वेब सीरीज आती है तो हम उसको रिव्यू देते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस वेब सीरीज की कहानी क्या है और एक्टर कौन सी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपस में ये लोग क्या क्या बातें करते हैं, वही सब बातें करते हैं कि अब क्या होगा कैसे होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं रानी परी जो है इस वेब सीरीज में नर्स का काम करती दिखाई देंगी आपको। तो भाई रानी परी का लुक और इनके साथ जो और रोमांटिक हैं सीन, वो बहुत ज़बरदस्त और आपको देखने लायक है। अगर आप लोग रोमांटिक वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो इस वेब सीरीज को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वेब सीरीज को मैंने देखा और पाया भैया नंबर 1 की वेब सीरीज है। तो दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।